मूवी के स्टार्ट में हम लाते नाम की एक हेजहॉग को देखते हैं, जो कि छोटे छोटे डिफरेंट फ्लावर्स में से ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट कर रही थी। पता चलता है कि इनके जंगल में पानी बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और इसी वजह से सारे के सारे एनिमल्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लोग शाम को एक मीटिंग अरेंज करते हैं। इसके साथ ही हम जूम नाम के एक स्क्विरल को देखते हैं, जो कि कुछ रैबिट्स के साथ खेलना चाहता था और उनकी अटेंशन सीक कर रहा था, बट वो तो उल्टा ही जूम का मजाक उड़ा रहे थे और उनको तंग कर रहे थे। इसके साथ ही वहाँ पर लाटे आती है और उनको भगा देती है, पर बजाय इसके कि जूम उसको थैंक यू बोलता, वो उल्टा उस पे गुस्सा होता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी वजह से ये सारे लोग मेरा और मजाक उड़ाएंगे, और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। शाम को उसकी बहन जूम से पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, पर वो उसे भी दूर भगा देता है। उसके हाथ में एक वॉलनट था और वो नीचे गिर जाता है। जब जूम उसे लेने के लिए जाता है तो वो बिल्कुल ही लाटे के घर के बाहर पड़ा था। लाटे भी बाहर आती है, पर जूम आराम से अपना वॉलनट उठा लेता है और वहाँ उसे पता चलता है कि लाटे ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट कर रही है। वो लाटे से कहता है कि बाकी सारे एनिमल्स तो अलग से एक पंपकिन में पानी कलेक्ट कर रहे हैं और तुम अलग से अपना सेव कर रही हो। लाटे उसे समझाती है कि बाकी एनिमल्स को मेरा कोई ख्याल नहीं, इसलिए मुझे अपना ध्यान खुद रखना होगा। बट यहाँ पर जूम उससे वो पानी लेकर भागने लगता है और इसके पीछे लाटे भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। अब इसी कोशिश में कि वो पानी भी उस पंपकिन में ऐड हो जाता, जूम से गलती से वो पंपकिन टूट जाता है और इस तरह जितना भी सेव्ड वाटर था वो सारा का सारा जाया हो जाता है। इतनी देर में इनको आवाज आती है जैसे कुछ और एनिमल्स इनकी तरफ आ रहे हैं और ये दोनों डरकर भाग जाते हैं ताकि छुप जाएं। यहाँ पर बाकी सारे एनिमल्स पहुँचते हैं और पानी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि उनकी इतनी मेहनत से सेव हुआ हुआ सारा का सारा पानी जाया हो गया है। इसके बाद वो पूछने लगते हैं कि ऐसा किसने किया होगा। अब जूम लाटे से कहता है कि हमें सच बता देना चाहिए, पर लाटे उसे मना करती है कि ये लोग तो मुझे पहले ही पसंद नहीं करते, इसके बाद तो ये मुझे बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। आपस में दोनों लड़ते लड़ते बहुत हो जाते हैं, जिसके साथ ही बाकी एनिमल्स को पता लग जाता है। अब जूम सबको सच बता देता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, पर बाकी सारे एनिमल्स भी जूम पर ही गुस्सा होने लगते हैं। ये सब लोग अब आर्ग्यू कर ही रहे थे कि यहाँ पर एक क्रो आता है और वो इन सबको बताता है कि बहुत साल पहले एक वाटर स्टोन आसमान से नीचे गिरा था और जहाँ पर भी वो गिरा था वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी आ गया था, बट एक बियर ने वो वाटर स्टोन चुरा लिया और अब वो उसके पास ही है। जहाँ पर वो वाटर स्टोन है वहाँ पर बहुत पानी है। बाकी सारे एनिमल्स को तो लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, पर लाटे को उसकी बात पे यकीन आ गया और वो सबसे कहती है कि तुम सब लोग बहुत ज्यादा डरपोक हो। लाटे सबसे कहती है कि अगर तुम लोगों ने कुछ करना नहीं है तो मैं ही अकेले जाकर वो वाटर स्टोन ले आऊंगी उस बियर से, मुझे डर नहीं लगता, कोई भी उसको सीरियस फिर नहीं लेता। और इसके बाद वो अकेले ही निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बीवर भी मिलता है, वो उससे रास्ता पूछती है तो वो बहुत आराम से उसे उस बियर का रास्ता बता देता है। अब बहुत ज्यादा रात हो गई थी और लाटे बहुत ज्यादा थक भी गई थी, काफी सफर जो कर लिया था, तो वो एक दरख्त के नीचे सोने लगती है। अगली सुबह जूम लाटे के पास जाता है तो देखता है कि वो घर पर नहीं और उसे लगता है कि शायद ये तो सच में ही उस बियर को ढूंढने के लिए निकल गई है। और आहिस्ता आहिस्ता ढूंढते ढूंढते उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करते करते उस तक पहुंच ही जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से लाटे को मना ले कि वो वापस घर आ जाए, बट वो तो मान ही नहीं रही थी। उसका तो बस पक्का ये इरादा था कि वाटर स्टोन को किसी भी तरीके से घर वापस लेकर आना है ताकि पानी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर एक वाइल्ड एनिमल इन दोनों पर अटैक कर लेता है। यहाँ पर लाटे तो एक हेजहॉग थी और उसके स्पाइक्स देखकर वो वाइल्ड एनिमल कुछ कर नहीं पाया, जिसकी वजह से वो जूम को फॉलो करने लगता है। बहुत मुश्किलों से ये लोग भागने लगते हैं। एक ट्री की ब्रांच उस वाइल्ड एनिमल पर गिरती है और इनकी जान छूट जाती है। अब दूसरी तरफ जूम के भी घर वालों को पता चल गया था कि वो भी लाटे के पीछे पीछे चले गया है और सबके सब बहुत परेशान हो रहे थे। इसके बाद जूम फिर से कोशिश करता है कि लाटे को मना ले घर वापस आने के लिए और इसी तरह इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ते लड़ते ये लोग एक टोड के घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो टोड इनको बताता है कि मुझे उस बियर के घर का पता है और अब रात होने वाली है तो तुम दोनों मेरे पास रह सकते हो। ये दोनों थक कर रात वहीं पर स्पेंड करते हैं। जब सुबह ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो टोड उनको कुछ पैरीज देता है। टोड का मानना था कि अगर ये लोग वो वाटर स्टोन ले आते हैं तो हर जगह के पानी का मसला सॉल्व हो जाएगा और वो यही चाहता था कि ये लोग कामयाब हो जाएं। अब ये दोनों अपना सफर आगे कंटिन्यू करते हैं और थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद इनको कुछ वुल्व्स मिलते हैं। जब ये दोनों उनको भी बताते हैं कि ये लोग उस बियर से वाटर स्टोन लेने जा रहे हैं तो वो भी इनको रोकते नहीं। बेसिकली इन वुल्व्स का कोई और ही प्लान था।
अब ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। बहुत ज्यादा चलने के बाद जून को लगने लगता है कि शायद वाटरस्टोन वाली स्टोरी सच में रियल नहीं और ये लोग बस ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर जून लाटे से कहने लगता है कि हमें घर वापस चले जाना चाहिए, हमारी फैमिलीज हमारा वेट कर रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे कि हम पता नहीं कहाँ रह गए हैं। पर लाटे तो रुकने नहीं वाली थी, वो फिर से जून को कहती है कि तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ पर रह लूंगी और मैं ही अकेले वाटरस्टोन ढूंढकर वापस आऊंगी। जूम भी अब इस आइडिया को कंसिडर करने लगा था। वो बेरीज लाटे को देता है और वहां से जाने लगता है, पर इसी दौरान इन दोनों की लड़ाई होती है और वो बेरीज नीचे गिर जाती हैं। अब लाटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लड़ाई लड़ाई में वो भी नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो कहती है कि मैं अपना सफर कंटिन्यू करूंगी और मैं ही वाटरस्टोन को वापस लेकर आऊंगी। पर जूम को रियलाइज होता है कि वो इतना दूर तो आ ही गया है, तो वो आगे भी लाटे का साथ देगा। अब वो लाटे को ढूंढने के लिए थोड़ा ऊपर जाता है ताकि देख सके लाटे कहाँ तक पहुँची है। उसे दूर एक एरिया नजर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रीन था और वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी था, साथ ही उसे कुछ बियर भी नजर आते हैं। वो समझ जाता है कि ये वही किंग बियर होगा और उसकी फैमिली होगी, पर बजाय इसके कि वो लाटे को ढूंढने के लिए नीचे उतरता, वो बेचारा स्लिप होकर उन्हीं बियर्स के पास पहुंच जाता है। यहाँ इन बियर के बीच में गिरने के बाद जूम को समझ नहीं आती कि वो क्या करे और वो एक बेबी बियर के पीछे छुप जाता है। पता चलता है कि ये उसी किंग बियर का प्रिंस है और यहाँ पर प्रिंस को भी समझ आ जाती है कि कोई एनिमल उसके पीछे छुप रहा है और वो जूम को छुपा कर अपने केव में ले आता है। दूसरी तरफ लाटे अब भी अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रही थी। यहाँ पर रात हो चुकी थी और वो काफी थक भी गई थी, इसलिए सोचती है कि शायद थोड़ी देर के लिए आराम कर लूं। वो एक छोटे से दरख्त के अंदर जाकर सोने लगती है। पता चलता है कि ये तो किसी और बुरे हेजहॉग का घर है और वो भी अब यहाँ पर पहुँच गया था। वो लाटे से कहता है कि मेरे घर से निकलो। उसे देखते साथ ही लाटे को लगता है कि शायद ये मेरे फादर होंगे, पर वो उसे समझाता है कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लाटे तो उसे बहुत ज्यादा तंग करने लगती है, जिसके बाद लाटे से छुटकारा पाने के लिए वो उसे डायरेक्शंस देता है कि तुम किंग बियर के पास कैसे जा सकती हो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता दूंगा। उसी रास्ते को फॉलो करते करते लाटे एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर बहुत ज्यादा पानी था और वो समझ जाती है कि यही उस किंग बियर का केव होगा। दूसरी तरफ जूम उस प्रिंस के साथ बातें करने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पर हर जगह बहुत ज्यादा पानी था और बहुत खूबसूरत भी थी, जिसके बाद जूम को समझ आ जाती है कि यहाँ पर पानी तो कभी कम हो ही नहीं सकता। लाटे अब पानी में से होते हुए उस केव के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे वो किंग भी नजर आता है और बाकी बियर्स भी। वो छुपने की बहुत कोशिश करती है पर ऐसे ही पानी में स्लिप हो जाती है, जिसके बाद दो बियर उसे फिर समझ के बाहर निकालते हैं, पर वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड हेजहॉग थी, जिसके बाद उनको लगता है कि शायद ये कोई बाहर का एनिमल है और उसे कैद कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ जूम को भी पता चल जाता है और वो आ जाता है लाटे के पास, जहाँ पर फिर से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जब सुबह होती है तो प्रिंस आता है और जूम को छुड़ाने की कोशिश करता है। यहाँ पर दो बियर्स आते हैं जो कि गार्ड्स थे और देख लेते हैं कि ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद वो लाटे और जूम को किंग के सामने लेकर आते हैं। अब यहाँ पर लाटे सारी स्टोरी उनको बता देती है कि मैं तो वाटरस्टोन लेने आई हूँ, और ये बात सुनकर तो किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर वो वाटरस्टोन को चुराने के लिए आए हैं। इसके बाद किंग अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को यहाँ से दूर फेंक दो। इसके बाद जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो किंग तो डांस करने लगता है। वो सब बियर्स इसी में बिजी थे कि दोबारा से लाटे और जूम अंदर आते हैं और वाटरस्टोन को चुरा कर भाग जाते हैं। अब जैसे ही वो वाटरस्टोन वहां से जाता है, सारा का सारा पानी गायब हो जाता है। किंग और गार्ड्स ये देखकर समझ आते हैं कि लाटे और जूम ने वाटरस्टोन को चुरा लिया है, जिसके बाद गार्ड्स अब उन दोनों के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ बियर प्रिंस को समझ आ जाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और क्यूट था, और वो लाटे और जूम की मदद करता है उनको एस्केप करने में। जूम उस प्रिंस को बता देता है कि अगर इस वाटर स्टोन को वापस अपनी जगह पे रख दिया जाए तो हर जगह पर पानी दोबारा से आ जाएगा, और उसे ये आइडिया अच्छा लगता है। पर यहाँ पर वो किंग पहुंच जाता है और उनसे वाटरस्टोन वापस लेता है। ये दोनों भागकर आगे जाते हैं तो वही वुल्फ्स दोबारा सामने आ जाते हैं, क्योंकि उनका प्लान यही था। वो बेसिकली इस वाटरस्टोन को चुराना चाहते थे इन दोनों से। इतनी देर में एक और वाइल्ड एनिमल भी पहुंच जाता है। अब ये दोनों तो फंस चुके थे। जूम इन लोगों को एक ट्रिक बताता है और उनको कुछ वॉलनट्स की शेल्स देता है और उसमें कहता है कि इन तीनों में से किसी एक के नीचे वाटरस्टोन है, अब जो भी ढूंढेगा उसको मिल जाएगा। बेसिकली ये लाटे और जूम
की एक ट्रिक थी। जब जूम उन लोगों को बेवकूफ बना रहा था, लाटे इस वाटर स्टोन को लेकर जाती है और उसी जगह पर रख देती है जहाँ पर वो ओरिजिनली पड़ा हुआ था। और जैसे ही वाटर स्टोन अपनी जगह पर आता है, सारे के सारे फॉरेस्ट में पहले की तरह पानी आ जाता है। सारे के सारे एनिमल जब ये देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इतने में ही वो क्रू आता है और इन दोनों को उठाकर वापस अपने घर छोड़ देता है, जहाँ पर बाकी सारी फैमिली इनको देखकर बहुत खुश होती हैं। सारे एनिमल अब लाटे को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता था। उसने ये सब कुछ बाकी सारे एनिमल्स के लिए किया था। और ऐसे ही सारे खुश हो जाते हैं और मूवी एंड हो जाती है।